हमारे गांव अकोला छिपा समाज के नाम से पुकारा जाता है। ये कला हमारे गांव में करीब 500-700 साल पुरानी है। मेरा नाम पुरुषोत्तम छिपा है। मैं चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अकोला गांव में रहता हूं और हमारा ये रंगाई छपाई का काम है। अकोला रंगाई छपाई, जिसमें हम प्रकृति से दी हुई चीज़ों को ही कपड़े पे उतार के उसको प्रिंट करके हम लोगों को पहनाने की कोशिश करते हैं। एजो फ्री कलर अकोला का दाबू, उस दाबू में काफ़ी चेंजेज है, उसका प्रोसेस में चेंजेज है। हमारे क्या होता था कि मिट्टी के साथ में हमारा बहुत कुश्ती जैसा मतलब काम रहता है। मिट्टी बहुत आसानी से नहीं बनती, मिट्टी को रात को गलाना पड़ता है, फिर उसको चूने के साथ में उसको रौंदा जाता है पैरों से, और लकड़ी के डंडे से भी पिटाई करने के बाद घोन जो होता है बड़ा वाला, हम उसमें जैसे बीदन वगैरह नहीं डालते हैं जो आटे वगैरह का, हमारा प्रोसेस और उस मिट्टी का काम अलग है बिल्कुल। तो उसमें हम गोंद का पानी मिलाते हैं और उसको पैरों से 2-3 घंटा रौंद के फिर उसको छान के 2-3 बार, क्योंकि हमारी मिट्टी में क्या बारीक रेत ज़्यादा है, तो उस मिट्टी को छान के हम 2-3 बार साठ में ऐसे बड़े बड़े कपड़े में हैंडलूम वगैरह के छान के उस मिट्टी को बिल्कुल साफ सुथरी बना के फिर उसको प्रिंट करते हैं। ये हमारा सर पुश्तैनी काम है। इस काम से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हर समाज आ जाता है। एक पर्टिकुलर कोई समाज का काम नहीं है। पहले हम महिलाओं के लिए वो फेर लहंगा बनाते थे, चूनर बनाते थे, और ये कास्ट वाइज डिवाइडेशन था। जैसे कुमार लोग ये पहनेंगे और जाटों की औरतों का पर्टिकुलर प्रिंटिंग अलग चलता था, ताकि वो पहचाना जा सके, वो औरतें पहचानी जा सके ये जाटों की है, ये गुजरों की। तो इस तरह से मतलब कास्ट वाइज लहंगे बनते थे। उस समय क्या हुआ सर, स्क्रीन प्रिंट चल गया। फेटिया जो हमारा था, ट्रेडिशनल जो हमारा था, हम जो जिससे हम मतलब जुड़े हुए लोग थे, तो उस समय वो स्क्रीन चलने में हमारा काम काफ़ी पीछे रह गया। इसको हमने पुनर्जीवित किया और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हमारे को उस समय 2005 और 6 में क्लस्टर अवेलेबल कराया, उसमें ट्रेनिंग वगैरह, तो मॉडर्नाइज करके इस काम को हमने विदेश व्यापार के हिसाब से इसको काम को चालू किया हमने। इस कला में जैसे जैसे अब जैसे आज जो डिजिटल इंडिया बना है, श्रीमान मोदी जी का जो हमारा सपना था डिजिटल इंडिया का, तो उसकी वजह से ये अकोला में क्रांति आई है। और हम भी ये चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया की वजह से जो अकोला को फ़ायदा मिला और अब जो क्रिएशन बढ़ी है, क्योंकि गांव था बिल्कुल छोटा सा, बस वही हमारा काम था फेटिया बनाना, और आज जो डिजिटल इंडिया की वजह से और राजस्थान सरकार की वजह से जो इस काम को नई जान मिली है और इसकी रिक्वायरमेंट देश विदेश में बढ़ी है, तो हम भी ये चाहते हैं आगे आगे वाली पीढ़ी भी काम करेगी और हम भी इस चीज़ से काफ़ी लाभ कमा रहे हैं और काम करना चाहते हैं। 2005 और 6 के बाद में जो इस कला में इस लोगों के प्रति रुझान बढ़ा है, उसके बाद हम हमारे चाहेंगे हमारे बच्चों को हम काम सिखाएं।